विधायकी के आज से भरे जाएंगे नामांकन। रीवा कलेक्ट्रेट में 6 और मऊगंज कलेक्ट्रेट में 2 विधानसभाओं के दाखिल होंगे फॉर्म। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की अधिसूचना 21 अक्टूबर से जारी हो गई है। ऐसे में शनिवार की सुबह 11 बजे से नामांकन भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि रीवा कलेक्ट्रेट में 6 विधानसभाओं के फॉर्म दाखिल होंगे। इसी तरह नवगठित मऊगंज जिले के कलेक्ट्रेट में 2 विधानसभाओं के नामांकन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था होगी। बाकी आगे की प्रक्रिया रीवा जिला मुख्यालय से की जाएगी। कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा कि 68 सिरमौर, 69 सेमरिया, 70 त्योंथर, 73 मनगवा, 74 रीवा और 75 गुड़ के नामांकन कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में जमा होंगे। पुराने कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 1 में सिरमौर, कक्ष क्रमांक 2 में सेमरिया, कक्ष क्रमांक 3 में त्योंथर, कक्ष क्रमांक 15 में गुड़, कक्ष क्रमांक 23 में विधानसभा क्षेत्र मनगवा और कक्ष क्रमांक 26 में विधानसभा क्षेत्र रीवा के नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। कक्ष क्रमांक 3 और कक्ष क्रमांक 7 आरक्षित। मऊगंज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 71 मऊगंज और 72 देव तालाब के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज में दाखिल किए जाएंगे। मऊगंज कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 3 में देव तालाब और कक्ष क्रमांक 7 में विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के लिए नामांकन लिए जाएंगे। नामांकन विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किए जाएंगे। 4 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार 4 व्यक्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में ले जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि, शैक्षणिक योग्यता, देनदारियों, बैंक खाते और आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 में घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। 2 नवम्बर को वापस ले सकते हैं नामांकन। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान के लिए 17 नवम्बर और मतगणना के लिए 3 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।